आजकल देश के हालात के बारे में आप सब लोग वाकिफ़ हैं, किस तरह मज़हब के बेसिस पे पूरी आवाम में एक जहर फैलाया जा रहा है और लोगों को आपस में झगड़ा करके अलग अलग करके जो सियासतदान हैं वो अपने पावर को कंसोलिडेट करके पूरे देश पे जुल्म हो रहा है, खासकर एक आम इंसान पे। मज़हबी आज़ादी एक हमारा हकूक है, एक पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, लेकिन मज़हब के बेसिस पे आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। ये बिल्कुल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और ये पूरी साजिश जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करने की है, ताकि इसको एक मज़हबी कॉन्स्टिट्यूशन से सब्स्टिट्यूट किया जाए। और आज हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये एहतजाज के लिए, इस चीज़ के खिलाफ एहतजाज करने के लिए है कि हम लोग बिल्कुल एक रिलीजियस टॉलरेंस एंड अगेंस्ट रिलीजियस इनटॉलरेंस इज़ व्हाट वी आर आर्ग्यूइंग फॉर एंड सेविंग आर कॉन्स्टिट्यूशन। जो आज़ादी के बाद हम लोगों ने एक बहुत सेक्युलर सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट की थी, उसकी हिफाजत के लिए आवाज़ उठाने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये आवाज़ पूरे देश में फैलेगी और सब लोग इकट्ठे होंगे, कोने कोने से इस आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। शुक्रिया। కళ్ళకు కంతలు కడితే కలహించు దేనినైనా కదులుదాం కదం కదం కదిలిందిరా జనరథం Nasir Chali, Nasir Chali.